नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछोर में नवयुवक मंडल चांदनी चौक द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण कराया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए श्रीकांत पुरोहित ने बताया कि हमारे द्वारा बिजासेन माई के मंदिर के समीप हम सब ने पीपल, बरगद एवं अन्य छायादार पौधे लगाए। हमने सभी पौधों के लिए ट्री गार्ड भी लगाए। हमारी ये पहल है कि निश्चित रूप से प्रेरणादायी बनेगी। नवयुवक मंडल चांदनी चौक के हर एक कार्यकर्ता ने एक एक वृक्ष की जिम्मेदारी ली है एवं सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। घने छायादार वृक्ष जो है बहुत आवश्यकता है पर्यावरण के लिए और गिरते हुए भूमि जल स्तर को रोकने के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि जो है कि सब लोगों को इसमें आगे आके एक योगदान देना चाहिए, जिससे जो है हरियाली और जल स्तर दोनों को मेंटेन किया जा सके। ये आवश्यक है। हमारे नवयुवक मंडल चांदनी चौक पिछोर की ओर से जो है ये कार्य प्रायोजित है और चल रहा है और काफ़ी समर्पण से जो है यहाँ पर हरे वृक्ष लगाने का प्रयास है। कितने क्या वृक्षों की संख्या आपने कितने लगाए? हमने 40 वृक्ष यहाँ पर लगाए हैं जी, और लगभग अभी सारे वृक्ष अपनी वृद्धि पे हैं, सफल हैं और देख रेख उनकी जारी है। उम्मीद है कि सारे अच्छे वृक्ष बनेंगे, छायादार वृक्ष जी। पिछोर से गोविंदा शर्मा की रिपोर्ट।